ये महत्व की बात है। चलने के लिए एक सूत्र है, चलने का सूत्र ये है कि जब आप चलते हैं तो सूत्र ये है आयुर्वेद का, सॉरी बागवत जी का, अष्टांग व्यायाम का, कि दोनों पांव पर बराबर वजन हो, दोनों पांव पर वजन आपका बराबर पड़े, एक पांव पर ज्यादा वजन एक पांव पर कम वजन अगर आप ऐसे चलेंगे तो बहुत जल्दी आप परेशान होंगे। बराबर ध्यान रखिए कि दोनों पांव का वजन आपका समान हो, सब हो चलने के समय। अब दोनों पांव पर वजन बराबर पड़े आपके शरीर का, इसके लिए आगे का एक सूत्र है कि चलते समय सबसे पहले एड़ी रखें, उसके बाद तलवा टच करें, फिर पंजे। ये सूत्र, जब आप चल रहे हैं एक पैर उठा के आपने आगे रखा तो पैर का सबसे पहले ये एड़ी वाला जो भाग है ये छूना चाहिए जमीन को, फिर इसके बाद तलवा, फिर उसके बाद पंजे। अगर इस पैर के तीन हिस्से हम कर रहे हैं तो एक हिस्सा एड़ी वाला, दूसरा तलवे वाला, तीसरा पंजे वाला। तो चलते समय जब आप एक पैर रख रहे हैं जमीन पर तो पहले एड़ी रखिए, बाद में पंजा रखिए, फिर आप सॉरी एड़ी रखिए, तलवा रखिए, पंजा रखिए। डिजाइन भी ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे डिजाइन है तो वैसे ही रखना है। भगवान का बनाया हुआ पैर है ये, किसी कंपनी ने नहीं बना के दिया है हमको, तो वो डिजाइन करने वाला बड़ा समझदार सोच करने वाला आदमी है या व्यक्ति है या जो भी है, उसने हमें ऐसी डिजाइन करके दिए। तो चलते समय हमेशा याद रखिए पहले एड़ी रखें, फिर पंजा रखें, फिर सॉरी तलवा रखें, फिर पंजा रखें। अब ये करना है अगर आपको तो एक चीज के बारे में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाई हील के जूते नहीं पहन सकते। हाई हील की चप्पल नहीं पहन सकते क्योंकि उसमें उल्टा खेल है, उसमें एड़ी सबसे ऊंची है और यहां चलने में एड़ी सबसे नीचे है। हाई हील की सैंडल में एड़ी सबसे ऊंची है और पंजा सबसे नीचा है। तो जब भी हाई हील की आप एड़ी और सैंडल पहन के चलेंगे तो पंजा पहले आएगा जमीन पे, एड़ी बाद में। एड़ी तो छुएगी भी नहीं जमीन को क्योंकि हील इतनी हाई। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं और वो शरीर में पीछे दर्द की शिकायत है। कई बार मैं उनको ऐसे ही बोल देता हूँ, वो समझते हैं कि राजीव भाई मजाक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे दर्द के लिए कोई दवा नहीं है। तो कहते हैं क्या करूँ? मैं कहता हूँ बस इतना करो जूते बदल लो। तो कैसे जूते ले लो? तो मैं कहता हूँ ऐसे जूते लो जो पेड़ है जिनमें हाई हील, ऐसे ले लो हो जाएगा। मैं कहा कर लो भाई इसमें बुराई क्या, जूते ही बदलना है ना, दवा नहीं खानी। बहुत सारी बहनें मेरे पास आती हैं जो आजकल के कॉलेज और स्कूल में जाती हैं जिन्होंने फैशन बना रखा हाई हील का, सैंडल या हाई हील की, वो बहुत आती है। हिप जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, तो मैं उनको भी कहता हूँ जूते बदल दो, सैंडल बदल दो, हाई हील का मत पहनो, साधारण पहनो। तो जो मान जाती है, मान वो जाती है जिनको थोड़े बहुत संस्कार है अपने माता पिता के, जिनको कुछ भी संस्कार नहीं है माता पिता के, वो तो क्या फालतू बात करते हैं आप, हमारी सुंदरता कम करना चाहते हैं आप। मैं बोला इसमें सुंदरता क्या है? हाई सैंडल पहनने से क्या सुंदरता होती है? तो उसमें वो कहती है लंबा बना रहता है। मैंने कहा है नहीं, आ कहां से जाएगा, हाइट तो वही है 4.5 फीट की, जब है ही नहीं भगवान ने दी नहीं तो इसको एक्स्ट्रा कहां से लंबा बनाएंगे आप। तो होता होता तो नहीं है लेकिन उनको महसूस होता है कि हम लंबे हैं, हाँ मन में। तो वो मन का तसल्ली जो झूठा है, वास्तविकता से दूर है। जब मैं उनको बहुत थोड़ा समझा लेता हूँ, कुछ मान जाते हैं, जो मान जाते हैं वो बदल देती है, बदलने के बाद वो खुद कहती है 15-20 दिन के बाद, हाँ हमारा दर्द तो कब हुआ, दर्द तो कम हुआ। 6-8 महीने अगर कर लिए तो फिर कहते हैं दर्द बंद ही हो गया, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कम उम्र में, नौजवानी की उम्र में पीठ का दर्द होना क्यों चाहिए? ये पीठ का दर्द तो हमारे यहाँ माना जाता है आयुर्वेद में 40 साल के बाद की बीमारी, 40-45 साल जब बीत गए
कैल्शियम घटना शुरू हुआ हड्डियों में, तब ये समझ में आता है। जब कैल्शियम बढ़ने की स्थिति हो 20-22 साल 25 साल में भरपूर कैल्शियम हो शरीर में, तब ये दर्द क्यों आना चाहिए? तो मैं कहता हूँ कि भाई बीमारी तो बात है लेकिन उसका इलाज बिना दवा के है कि चप्पल बदलो, सैंडल बदलो, जूते बदलो, तो बदलते ही वो असर दिखाई देता है। तो इसलिए मेरा आप सबको विनती है कि आज के बाद आपके जूते चप्पल आप जब चुनाव करें बाजार में जाकर कि हमको जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, सैंडल चाहिए, तो आप ध्यान रखें कि वो प्लेन हो नीचे से, और नहीं तो ऐसे डिजाइन के हो जैसे आपका पैर है।